नमस्कार, मार्केट टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। हम इस समय मौजूद हैं अलवर की कृषि उपज मंडी में, जहां लगातार सरसों की आवक हो रही है। यह आवक मंडी में 2 महीने तक लगातार चलने वाली है, लेकिन सरसों के भाव में उतार चढ़ाव लगातार देखा जा रहा है। कभी मंदी का दौर है तो कभी भाव बढ़ जाते हैं। ऐसे में हम मंडी के व्यापारी महेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि मंडी में जो सरसों आ रही है लगातार किस तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। जी, मार्केट टाइम टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सरसों के कितने भाव है, कितनी आवक है, क्या है? आज सरसों का भाव लगभग 5100 रुपये कंडीशन का है और आवक 15,000 कट्टों के आसपास है। मंडी में उतार चढ़ाव का माहौल बना हुआ है। सरकारी नीतियाँ की जानकारी प्रॉपर नहीं है। कभी विदेशी बाजार कुछ प्लस हो जाते हैं तो बाजार यहाँ 100-150 रुपये बढ़ जाते हैं। अगर विदेशी बाजार मंदे हो जाते हैं तो लगभग 100-150 रुपये मंदा चल रहा है। इससे ज़्यादा भी फ्लक्चुएशन नहीं चल रहा मार्केट में। किस तरह की क्वालिटी सरसों की? क्वालिटी इस बार बढ़िया आ रही है। अब जो थोड़ा पीछे वाली सरसों है इसमें थोड़ा सा ज़रूर नुकसान की पोजिशन आ रही है। ऑयल तेल कम आ रहा है, बाकी ऐसा कोई नुकसान नहीं है। ऑयल परसेंटेज कुछ कम है। क्या कारण मानते हैं ऑयल परसेंटेज कम होने का? ये तो किसान के एक्चुअल में बुआई का समय का होता है सारा सिस्टम। ये समय पे जो प्रॉपर पानी दे देता है या समय पे जिसकी कटाई हो जाती है वो उससे वो किसान की सारी सिचुएशन चलती है। तो अभी फिलहाल जो सरसों आ रही है वो कौन कौन सी मिलों में जा रही है, क्या है? नहीं, सभी मिले में जा रही हैं, लेकिन कुछ मिले अब बंद होने के कगार पारी है। वे पढ़ते मिले चालू होगी। आमद जो प्रेशर बनना चाहिए था वो प्रेशर नहीं है इस बार सरसों का। किसान को प्रॉपर भाव नहीं मिल रहे, किसान वेट एंड वॉच कर रहा है अगर मैं सरकार को दूं तो। किसान को जब तक सरकारी मूल्य के आसपास भाव नहीं मिलेंगे तो किसान रुकता है। अब सरसों हमारे यहाँ 4700 से लेके 5051 तक बिक रही है। किसान ही रुकता है यार, कभी ऐसा ना हो गवर्नमेंट ले ले तो मैं 5600 में गवर्नमेंट को दे दूं। तो ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि लगातार जो मील है वो बंद होने के कगार पर है? ऐसी क्या समस्या खड़ी हो सकती? माल कम है और लेवाल ज्यादा है तो कंपटीशन है। अभी आपके एक व्यापारी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा है तेल के उत्पादन को लेकर, इस तरह बाबूलाल जाटा जी ने लिखा है और सही लिखा है। एक्चुअल में क्या है कि जो पुराने मिले हैं उनको सरकारी अनुदान कुछ नहीं है। नए प्रोडक्शन को 1% मंडी छूट भी है, कुछ लाइट में छूट भी है, इस तरह के बेनिफिट्स उनको मिलते हैं। तो अभी जो अपने सरसों का जो उत्पादन हो रहा है वो कौन कौन से क्षेत्रों में हो रहा है? राजस्थान तो पूरा होता ही है, गुजरात है थोड़ा सा और राजस्थान और हरियाणा भी है कुछ बेल्ट। मेन तो राजस्थान ही है, राजस्थान और हरियाणा। अच्छा, हाँ। तो अभी जो मतलब तेल किस क्वालिटी का तैयार हो रहा है इस टाइम? तेल तो बढ़िया क्वालिटी का है, लेकिन तेल तो नो डाउट अच्छी क्वालिटी आ रही है सरसों। इस बार कोई सरसों में रोग नहीं है, लेकिन हम परेशान हैं कि तेल मिल चलाएं कैसे। तेल मिल वाले परेशान हैं। सरकार जब तक नहीं चाहेगी कि मिलें चलें तब तक मिलें नहीं चलना बड़ा भारी हो गया। तो अब आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो सरकार से यही अपील करेंगे कि विदेशी तेलों को ड्यूटी बढ़ाई जाए, स्वदेशी सरसों को जो भी स्वदेशी प्रोडक्ट है हमारे उनको बढ़ावा दिया जाए, उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनको ऐसा सिस्टम कोई बनाया जाए कि ताकि उनकी खपत ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो हमारे किसानों को फ़ायदा हो, हमारे यहाँ के ट्रेडर्स को फ़ायदा हो, हमारे यहाँ के मिलर्स को फ़ायदा हो। अभी किसान को किस तरह का फ़ायदा हो रहा है? किसान को कोई फायदा नहीं हो रहा। किसान वेट एंड वॉच कर रहा है। किसान अभी 10-15% माल आया है। किसान को फायदा, किसान ये देख रहा है कि सरसों सरकार ले ले। अगर 5,000 से ऊपर किसान की सरसों बिकती है तो किसान इजी गोइंग सरसों बेच देता है, लेकिन 46-47-48 में किसानों को जोर पड़ रहा है सरसों बेचने में। और जब तक सरकार इसमें कोई अंकुश नहीं लगाएगी, इसको 5,000 से ऊपर नहीं आएगी, तो एक भरपूर मात्रा में मंडियों में सरसों नहीं आएगी। जी, हमारे साथ में मौजूद थे महेंद्र गुप्ता जी, जो तेल मिल भी है इनके पास में और मंडी में इनकी शॉप भी है, जो लगातार यह सरसों की आवक जो हो रही है वो आवक भी ये ले रहे हैं।
लेकिन इनका कहना यह है कि इनको अभी जो तेल मील बंद होने की जो कगार पे है उसके बारे में इन्होंने पूरी जानकारी दी। इन्होंने बताया कि विदेशी तेल का जो मार्केट है वो डाउन होना चाहिए, उसके बाद में जो यहाँ के जो तेल की जो डिमांड है वो ज्यादा बढ़ेगी। नितिन शर्मा, अलवर।